गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हमारा अमेजिंग अयोध्या अमेजिंग नहीं लग रहा है। सबसे पहले जय श्री राम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाइडनिंग प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है इसका काम। और अभी हम हैं रिकाबगंज चौराहा पे और इसका पूरा का पूरा रूप रंगा चेंज हो गया है भाई। मैं नियावा की तरफ से आ रहा हूँ और यहीं से वीडियो को स्टार्ट करूँगा और आपको बस अड्डे तक का वाइडनिंग प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। वाया हॉस्पिटल, वाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम लोग जाने वाले हैं। अभी सारी येलो लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। अपनी समझदारी से आप गाड़ी चला लें, कोई आपके ऊपर कोई रूल इम्पोज नहीं कर सकता। और उसका रीज़न है कि ट्रैफिक रूल इम्पोज तब करेगा जब दोनों लेन्स चलेंगी। बेसिकली अभी एक ही लेन पर सारे लोग चल रहे हैं। देखो उधर से गाड़ी आ भी रही, इधर से हम जा भी रहे हैं, वो लेन पर काम चल रहा है। जब उस पर काम चल रहा है तो मतलब उधर का लाइट तो काम करेगा नहीं, दैट्स वाई ऐसा किया गया है। देखो उधर पार्किंग बना दी लोगों ने, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। ये रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है। और घुमा ही देते तुम्हें, आगे हो यहाँ तक तो देखो यहाँ पे सारी पार्किंग लगाई गई है। और यहाँ पता नहीं क्यों आज बहुत कम भीड़ है। संडे में छुट्टी होता होगा यहाँ पे भी ना? नहीं, हाँ छुट्टी होता है डॉक्टर लोग का, इसीलिए इमरजेंसी ओपन रहता है ना संडे में। ये पहले गेट से घुसे, राइट गेट से हम लोग निकल गए। और अभी हम आपको और दिखाते हैं आगे का वाइडनिंग प्रोजेक्ट। ये जो सारी दुकानें देखो ये नहीं आई हैं। और ये कृष्णा, इसका जो इनॉग्रेशन था केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, दिनेश शर्मा ने किया था शायद, नहीं ब्रजेश पाठक ने किया था। और यहाँ पे बगल यूको बैंक था, वो पुराना चला गया। अगर आप में से कोई अगर अयोध्या से ब्लॉग देख रहा है तो आप मेरे को एक बात बताओ, यूको बैंक के सामने दो लड़कियों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था चाय बनाने का, वो चल रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, कॉमेंट करके बताना आप, अगर आपको पता है तो बताओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं वही दिल्ली वाले एरिया में। लास्ट ब्लॉग में हमने बताया था इधर सारा एरिया दिल्ली लगता है और इधर देखोगे अगर ना इस साइड पे तो लग जाता है कि हाँ किसी नए से कंस्ट्रक्शन हो रहे जगह पर आप आ गए हो। और वहाँ पे ना एक गुमटी भी है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि जो हमारे सांसद हैं वो पान यहीं से खाते हैं। तो हम सोच रहे हैं जब संसदीय सत्र चलता होगा तब वो कहाँ से खाते होंगे। इतना गंदा हो गया ट्रैफिक यहाँ का, मैं बता नहीं सकता। बोलने के चक्कर में हेलमेट खोलना पड़ गया और हेलमेट खोलने के चक्कर में धूल खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये दोनों होटल दिख रहे हैं आपको। अगर आप अयोध्या के बाहर से ब्लॉग देख रहे हैं तो ये रहा साने अवध और ये रहा तिरुपति। होटल तिरुपति में खाना बहुत बेस्ट है। अगर आप खाने के तौर पे जाना चाहें तो तिरुपति में जाइएगा, रहने के तौर पे जाना चाहें तो साने अवध में जाइएगा। और इसके बाद ये सामने चौराहा आपको दिख रहा है, यहाँ पर गांधी पार्क भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धरना होता है, मतलब पूछो ही मत। अब तो बहुत दिन से बंद चल रहा है क्योंकि ये सरकार अपनी धरना वरना थोड़ा कम पसंद करती है। राइट साइड जो रोड जा रही है, एक दिन हम इस रोड से एंट्री करेंगे, दिखाइए जरा। तो अभी हम चल रहे हैं सिविल लाइंस में, सामने आपको बस अड्डा दिख ही रहा होगा, हमने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था। और वाइडनिंग प्रोजेक्ट का सबसे कम इम्पैक्ट वाइडनिंग प्रोजेक्ट का यहाँ पर दिखेगा आपको। यहाँ पर एकदम खोदा होता नहीं गया है, आप देख सकते हैं। ये कोई तो लोग खड़े हैं यहाँ पे, मूर्ति वगैरह बनी हुई है। हम लोग लेफ्ट साइड मुड़ गए क्योंकि इधर कोई वाइडनिंग प्रोजेक्ट नहीं चलेगा इधर, क्योंकि रोडें पहले से ही चौड़ी हो रखी हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सदर तहसील के राइट साइड वाली रोड पर और आप देख सकते हैं यहाँ का परिस्थिति। यहाँ सब कुछ चिकना और चमक रहा है क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। इधर जो आपको दिख रहा है लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है और सामने बचपन में कुछ नंबरों की छूट पाने के लिए एग्जाम्स वगैरह में हम लोग स्काउट गाइड ज्वाइन करते थे। देखो ये स्काउट गाइड का ऑफिस यहाँ पे है, पूरा का पूरा मैदान है बेसिकली, ऑफिस तो कहीं नहीं दिखता। ये काफ़ी जन्नत जगह है अगर आप मतलब शाम को टहलना घूमना चाहते हैं, बाइक वाइक चलाना चाहते हैं, कैसे भी आप मस्ती करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। स्टेशन रोड है ये और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हरे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। देखो भाई यहाँ रुकना पड़ेगा हमें, वी फॉलो द रूल्स, पीपल डजंट फॉलो। अरे अभी ये 40 सेकंड से ज़्यादा, अरे हम लोग भी फॉलो नहीं करते, अगर 40 वाली सेकंड होता तो हम लोग भी क्रॉस कर देते, लेकिन 10 सेकंड था तो वीडियो भी बन रहा था, थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर एट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ पर वीडियो को हम एंड करेंगे। वाइडनिंग प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत झलकियाँ हमने दिखाई। आज है डेट 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को क्या परिस्थिति है फैजाबाद ने रिकाबगंज से लेकर के सिविल लाइन बस स्टेशन तक आपको हमने दिखा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।